महाभारत से जुड़े वैसे तो हजारों तथ्य ऐसे हैं जो लगभग सभी को पता होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसी ही कहानी के बारे में बताएंगे जो बलशाली भीम से जुड़ी है। बताया जाता है कि पांडु पुत्र भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था, जिसके चलते एक बार तो उसने अकेले ही नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया था। लेकिन भीम में यह 10,000 हाथियों का बल कैसे आया, इस कहानी की बड़ी ही रोचक बातें हैं। आपको बता दें कि कौरवों का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था, जबकि पांचों पांडवों का जन्म वन में हुआ था। पांडवों के जन्म के कुछ वर्ष पश्चात पांडु का निधन हो गया था। पांडु की मृत्यु के बाद वन में रहने वाले साधुओं ने विचार किया कि पांडु के पुत्रों अस्थि तथा पत्नी को हस्तिनापुर भेज देना ही उचित होगा। इस प्रकार समस्त ऋषिगण हस्तिनापुर आए और उन्होंने पांडु पुत्रों के जन्म और पांडु की मृत्यु के संबंध में पूरी बात भीष्म, धृतराष्ट्र आदि को बताई। भीष्म को जब यह पता चला तो उन्होंने कुंती सहित पांचों पांडवों को हस्तिनापुर बुला लिया था। आपको बता दें, हस्तिनापुर में आने के बाद पांडवों के वैदिक संस्कार संपन्न हुए। पांडव तथा कौरव साथ ही खेलने लगे। दौड़ने में, निशाना लगाने तथा कुश्ती आदि सभी खेलों में भीम सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को हरा देते थे। भीमसेन कौरवों से होड़ के कारण ही ऐसा करते थे, लेकिन उनके मन में कोई बैर भाव नहीं था। परंतु दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भावना पैदा हो गई थी, तब उसने उचित अवसर मिलते ही भीम को मारने का विचार किया। दुर्योधन ने एक बार खेलने के लिए गंगा तट पर शिविर लगवाया। उस स्थान का नाम रखा उदय क्रीड़न। वहाँ खाने पीने इत्यादि सभी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई। दुर्योधन ने पांडव को भी वहां बुलाया। एक दिन मौका पाकर दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया था। विष के असर से जब भीम अचेत हो गए तो दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर उसे गंगा में डाल दिया। भीम इसी अवस्था में नागलोक पहुंचे, तब सांपों ने भीम को खूब दंसा और उसके प्रभाव से विष का असर खत्म हो गया। अब भीम को होश आया तो वो सर्पों को मारने लगे। सभी सर्प डरकर नागराज वासु के पास चले गए और पूरी बात बताई। तब वासुकी स्वयं भीमसेन के पास गए। उन्होंने 7 आर्यक नार के भीम को पहचान लिया। आर्यक नाग भीम के नाना का नाना था। वह भीम से बड़े प्रेम से मिले। तब आर्यक ने वासुकी से कहा कि भीम को उन कुंडों का रस पिलाने की आज्ञा दी जाए जिसमें हजारों हाथियों का बल है। वासुकी ने इसकी स्वीकृति दे दी। तब भीम 8 कुंड पीकर एक दिव्य शैया पर सो गए। जब दुर्योधन ने भीम को विष देकर गंगा में फेंक दिया तो उसे बड़ा हर्ष हुआ। शिविर के समाप्त होने पर सभी कौरव व पांडव भीम के बिना ही हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। पांडवों ने सोचा कि भीम आगे चले गए होंगे। तभी सभी हस्तिनापुर पहुंचे तो युधिष्ठिर ने माता कुंती से भीम के बारे में पूछा। तब कुंती ने भीम के न लौटने की बात कही। सारी बात जानकर कुंती व्याकुल हो उठी। तब उन्होंने विदुर को बुलाया और भीम को ढूंढने के लिए कहा। तब विदुर ने उन्हें सांत्वना दी और सैनिकों को भीम को ढूंढने के लिए भेज दिया। उधर नागलोक में भीम 8वें दिन रस को पच जाने पर जाग उठे। तब नागों ने भीम को गंगा के बाहर छोड़ दिया। जब भीम सही सलामत हस्तिनापुर पहुंचे तो सभी को बड़ा संतोष हुआ। तब भीम ने माता कुंती वे अपने भाइयों के सामने दुर्योधन द्वारा विष देकर गंगा में फेंकने तथा नागलोक में क्या क्या हुआ यह सब बताया। तभी से भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल आ गया था। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।